जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हम पैन नंबर को देख के उसका स्टेटस कैसे पता लगा सकते हैं कि वो पैन नंबर किसी इंडिविजुअल पर्सन का है, किसी कंपनी का है, किसी HUF का है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी का है। तो दोस्तों अगर आप अपना कैरियर अकाउंट्स फील्ड में बनाना चाहते हो, अपना नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर TDS काटने की लाइबिलिटी बनती है, तो हमें पैन नंबर देख के उसका पता होना चाहिए भी इस कंपनी का हमें जो TDS है वो किस रेट से डिडक्ट करना है। क्योंकि इंडिविजुअल का जो TDS काटने का रेट वो अलग होता है, किसी कंपनी का वो अलग होता है। तो केवल आपके पास पैन नंबर है तो आपको पैन नंबर देखते ही तुरंत पहचान जाना है भी वो पैन नंबर किस कैटेगरी का है और इसके ऊपर कितने परसेंट का TDS है जो कटने वाला है। तो ये सारी बातें हम आपके साथ इस वीडियो में प्रैक्टिकल शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों आपने पैन कार्ड जरूर देखा होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा भी, तो हमें किसी भी पैन कार्ड को देख के उसका स्टेटस हमें कैसे पता चलेगा। तो जब हमारे पास पैन कार्ड होता है तो उसके ऊपर हमारे पास ये 10 नंबर का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर डिस्प्ले होता है। तो इस पैन नंबर के अंदर जो हमारा फोर्थ करेक्टर है, यानी कि किसी भी पैन नंबर का जो चौथा करेक्टर है, वो उसकी कैटेगरी को सेलेक्ट करता है भी ये पैन कार्ड इस टाइप की कैटेगरी है। अब जैसा कि आप देख सकते हो फोर्थ करेक्टर कौन सा आ गया, पी। तो पी का मतलब क्या हो गया, ये किसी पर्सनल व्यक्ति का यानी कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष का पैन नंबर है। तो अब यहाँ से पता चलेगा भी इसका जो चौथा करेक्टर है, यानी कि आप देख सकते हो कि फोर्थ करेक्टर ऑफ द पैन नंबर रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पैन होल्डर, यानी कि चौथा करेक्टर उसका पेन होल्डर का जो रिप्रेजेंट है, जो करता है ये किस कैटेगरी का पेन कार्ड है। तो अगर चौथा करेक्टर पी है तो वो इंडिविजुअल है, अगर वो चौथा करेक्टर सी है, सी का मतलब भी ये हमारे पास पेन कार्ड है और इस पेन कार्ड के अंदर यहाँ पे चौथा करेक्टर अगर सी आता है तो यानी कि वो किसी कंपनी का है। अब कंपनी आप किसको समझ रहे हो, अब आपके पास मान लीजिए कोई फर्म है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी राम ट्रेडिंग कंपनी, तो अब आप समझो भी एक राम ट्रेडिंग कंपनी एक कंपनी का है। तो अब ये कंपनी इस राम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आपको पता नहीं चलेगा भी ये कंपनी है या कोई सिंगल पर्सन की है। तो ये जब भी आप इस ट्रेडिंग कंपनी का या इसका जो मालिक है, इससे आप जब भी आप पैन नंबर की रिक्वायरमेंट करोगे तो वो पैन नंबर ही वहां पर आपको इसका रिप्रेजेंट करेगा भी वास्तव में ये कंपनी है या किसी इंडिविजुअल पर्सन की ये सिंगल दुकान है। तो अब मान लीजिए पेन नंबर आपने मंगाया और पेन नंबर आपको मिला ये वाला AGJPL 52H का, तो आप चौथा करेक्टर देखते पहचान जाओगे भी ये कोई कंपनी नहीं है, इसने केवल अपनी दुकान के आगे जो बोर्ड लगाया उस पर अपना नाम डिस्प्ले किया हुआ राम ट्रेडिंग कंपनी का, बल्कि है ये सिंगल पर्सन किसी पर्सनल व्यक्ति की ही दुकान है, इसका जो मालिक है वो सिंगल व्यक्ति ही है। तो यहां से आपको पता चलेगा, अगर इसी तरीके से अगर हमारा चौथा करेक्टर अगर एच आता है तो यानी कि वो एक HUF की कैटेगरी का पैन नंबर है। HUF भी एक तरीके का सिंगल पर्सन ही होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। अगर फोर्थ करेक्टर ए है तो ए होगा तो क्या आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि ये AOP की कैटेगरी का पैन कार्ड है। अगर चौथा करेक्टर अगर बी आता है पी की जगह तो यानी कि वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि BOI है, तो BOI और AOP लगभग सेम कैटेगरी के ही होते हैं। अगर चौथा करेक्टर जी आता है तो जी का मतलब ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी का पैन कार्ड है। इसी तरीके से अगर जे आता है तो जे आने का मतलब क्या आ गया, ये किस टाइप का स्टैंड दिखाता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। और इसी तरीके से अगर कोई एल आता है तो एल आएगा किसी लोकल अथॉरिटी का। तो अब हमें पता चलेगा भी इतने पैन कार्ड से हमें जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मतलब किसी का पैन अगर हमारे पास है और हमें उसका TDS डिडक्ट करना पड़े तो हम चार्ट को देख के उसकी कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि आप देख सकते हो ना भी
यहाँ पर तो आ गया नेचर ऑफ पेमेंट यानी कि जो सेक्शन है, और उसके बाद के अंदर यहाँ पर उसका स्लैब रेट आ गया भी कौन सी अमाउंट के बाद में जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना है, और यहाँ आ जाएगा इंडिविजुअल और कंपनी का। तो कुछ एक कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल का और कंपनी का जो टीडीएस डिडक्ट करने का रेट है वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये देख सकते हो भी, अगर हम बात करें 194C की सेक्शन की, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम किसी कंपनी को, अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ किसी कंपनी को अगर हम पेमेंट करेंगे कितने से, 30,000 रुपये की ज्यादा से, तो हमें उसका 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। किस कंडीशन में, इंडिविजुअल को छोड़ के। अगर वो सिंपल मतलब सिंगल पर्सन है और फोर्थ करेक्टर उसका पी है, तो यानी कि वो सिंपल है, सिंगल पर्सन है, व्यक्ति विशेष है, तो हमें उसका 1% ही टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज हमें 2% का टीडीएस है जो डिडक्ट करना होता है। तो हमें ये टीडीएस डिडक्ट करने के अंदर ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमें इसकी पहचान होनी जरूरी है भी फोर्थ करेक्टर कौन, पेन नंबर आपके पास में है उसका फोर्थ करेक्टर क्या है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ करेक्टर की। अब जैसे फिफ्थ करेक्टर आपका आ रहा है यहाँ पे एल है, तो अब एल क्या दिखाएगा भी, जब भी हम पैन कार्ड बनवाते हैं तो इसके अंदर तीन कैटेगरी होती है, फर्स्ट नाम, मिडल नेम और सरनेम। तो अब हमारे पास फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम है, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो भी लास्ट अक्षर का जो पहला अक्षर क्या स्टार्ट हो रहा है, एल से, तो ये आपका फिफ्थ करेक्टर एल होगा। किस कंडीशन में, सिंगल व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर। अगर ये किसी कंपनी का होगा, मान लीजिए हमने देखा भी HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक एक कंपनी है, तो अब HDFC बैंक का जो नाम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, HDFC, तो HDFC। तो अब इसका जो पेन नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अब पेन नंबर से आप पता लगा सकते हो भी, इसकी जो शुरुआत के जो तीन डिजिट है वो आपके पास अलग हो सकते हैं, लेकिन अब चौथा करेक्टर क्या होगा, सी, और पांचवा क्या होगा भी, पांचवा अगर हम देखें तो पांचवा मतलब HDFC बैंक हम देख रहे हैं, तो HDFC बैंक का शुरुआत नाम कहाँ से हो रहा, स्टार्ट हो रहा है एच से, तो इसका फिफ्थ करेक्टर आएगा एच, तो यानी कि चौथा आ जाएगा सी का और पांचवा आ जाएगा एच का, तो उसके बाद के अंदर आगे की जो डिजिट है न्यूमेरिक की आएगी, और चौथा भी आपका अल्फाबेटिक का नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम फोर्थ करेक्टर के आधार पे उस पैन कार्ड का स्टेटस पता कर सकते हैं कि ये पैन कार्ड किस टाइप के पर्सन का है। तो दोस्तों उम्मीद मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।